हम इंसानों की पहली इन्वेंशन पहिए को माना जाता है और तब से आज तक हमने कई सारी महत्वपूर्ण चीजों को इन्वेंट किया है। अगर वैज्ञानिकों से पूछा जाए तो वह बताते हैं कि इंसानों द्वारा की गई आज तक की सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेंशन है लेंसेज। एक लेंस लाइट को मोड़ने और उसे मन मुताबिक ढालने का काम करता है। अगर कई सारे लेंसेज को एक साथ कम्बाइन कर दिया जाए तो हम ऐसी चीजों को क्रिएट कर सकते हैं जिनके बारे में सपने में भी नहीं सोचा जा सकता। आज हमारे पास टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी है जिनकी शुरुआत लेंसेज के साथ खेल करने से हुई थी। अगर टेलीस्कोप को एस्ट्रोनॉमी की सबसे महत्वपूर्ण इन्वेंशन कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा। टेलीस्कोप का कॉन्सेप्ट सबसे पहले गैलीलियो गैलीली ने फेमस किया था। अपने द्वारा की गई स्टडीज के जरिए उन्होंने एक टेलीस्कोप का निर्माण किया था जिसके जरिए वह तारामंडलों और ग्रहों को ऑब्जर्व कर सकते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि जुपिटर ग्रह के पहले चार चांदों की डिस्कवरी असल में गैलीलियो गैलीली ने ही की थी। मामूली टेलीस्कोप्स सिर्फ विजिबल लाइट को कैप्चर करने के ही काबिल होते हैं, लेकिन जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ता गया वैसे वैसे हमारी टेलीस्कोप टेक्नोलॉजी भी इम्प्रूव होती गई। आज साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन के लिए सबसे ज्यादा रेडियो टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि इनके नाम से ही पता चलता है, यह विजिबल लाइट की जगह रेडियो वेव्स को कैप्चर करने का काम करते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ब्रह्मांड के ऑलमोस्ट हर तरह के ऑब्जेक्ट को स्टडी किया जा सके। रेडियो वेव्स की एनर्जी बहुत ही कम होती है और यह ऑलमोस्ट हर ऑब्जेक्ट द्वारा रिलीज की जाती है, फिर चाहे वह कोई छोटा तारा हो या फिर कोई विशालकाय ब्लैक होल। आज हमारी पृथ्वी पर मौजूद सबसे बड़ा टेलीस्कोप ग्रैंड टेलीस्कोपियो कैनारियाज है, जिसे शॉर्ट में GTC कहा जाता है। 10.4 मीटर के अपर्चर वाले यह टेलीस्कोप स्पेन देश के कैनरी आइलैंड्स में मौजूद है। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि अपर्चर का मतलब होता है वह एरिया जो टेलीस्कोप में लाइट को कलेक्ट करने का काम करता है। सीधी सी बात है, जिस टेलीस्कोप का अपर्चर जितना ज्यादा होगा वह उतनी ही क्लियर लाइट को कलेक्ट कर पाएगा। कुछ साल पहले तक दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप चीन में मौजूद हुआ करता था। 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप, जिसे फास्ट कहकर बुलाया जाता था, एक बहुत ही एडवांस्ड रेडियो टेलीस्कोप था। इसकी कंस्ट्रक्शन 2011 में चीन के डाउडेंग नाम के एरिया में शुरू हुई थी और 2016 में यह बनकर रेडी हो गया था। दुख की बात यह है कि मात्र 4 साल तक फंक्शन करने के बाद नवंबर 2020 में एक केबल टूटने की वजह से यह खराब हो गया था। फास्ट का अपर्चर 500 मीटर था और यह आज तक इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा टेलीस्कोप था। इस हादसे के बावजूद फास्ट को एक बहुत इम्पोर्टेंट टेलीस्कोप का दर्जा दिया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मात्र 4 सालों में इसने इतने डेटा को कलेक्ट कर लिया था जितना आम टेलीस्कोप्स कई दशकों में भी नहीं कर पाए थे। वैज्ञानिक वापस से एक ऐसे ही टेलीस्कोप का निर्माण करना चाहते हैं और इसका प्रस्ताव सबसे पहले नासा ने रखा था। नासा के वैज्ञानिक बताते हैं कि इतने बड़े रेडियो टेलीस्कोप को पृथ्वी पर बनाना एक बेवकूफी की बात है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल में आयोनोस्फीयर नाम की एक लेयर मौजूद है जो अंतरिक्ष से आने वाली रेडियो वेव्स को ब्लॉक करने का काम करती है। अगर आप स्पेस साइंस में रुचि रखते हैं तो कभी ना कभी आपने अरोरा नाम के इस फिनोमिना के बारे में जरूर सुना होगा। सूर्य लगातार अपने अंदर से चार्ज पार्टिकल्स की बारिश करता रहता है, जिन्हें सोलर विंड्स या सोलर स्टॉर्म्स कहा जाता है। जब यह चार्ज्ड पार्टिकल्स हमारी पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड और आयोनोस्फीयर से टकराते हैं तो यह ग्लो करने लगते हैं, जिससे अरोरा का निर्माण होता है। नासा के वैज्ञानिकों के मुताबिक इतने विशाल रेडियो टेलीस्कोप की फॉर्मेशन पृथ्वी पर नहीं बल्कि चांद पर करनी चाहिए। चांद पर कई सारे ऐसे गड्ढे मौजूद हैं जिसमें डिस्क लगाकर उन्हें रेडियो टेलीस्कोप में तब्दील किया जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, कम गुरुत्वाकर्षण होने की वजह से चांद के पास अपना वायुमंडल भी नहीं है, जिससे रेडियो वेव्स बिना फिल्टर होकर इसकी सतह तक पहुंचती हैं। नासा ने इस टेलीस्कोप को बनाने के लिए कई सारे काम ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए हैं। फिलहाल इस प्रोजेक्ट के लिए उन्हें $5 लाख की फंडिंग मिली है, जो किसी टेलीस्कोप के निर्माण के लिए एक बहुत बड़ी रकम है। नासा ने इस टेलीस्कोप का नाम रखा है लूनर क्रेटर रेडियो टेलीस्कोप या LCRT, और यह इस पूरे टेलीस्कोप को डिफाइन करने के लिए काफी है। आज से कई अरब साल पहले सौर मंडल में एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स की बारिश हुई थी। इस घटना के सबूत हमें पृथ्वी, मंगल और चांद पर देखने को मिलते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी पर इतने बड़े समुद्र का निर्माण उन्हीं कॉमेट्स की वजह से हो पाया था। उनके बर्फीले केंद्र में वाटर आइस मौजूद थी जो पृथ्वी से टकराने के बाद तुरंत ही भाप में बदल गई थी। जब उस भाप की वजह से पृथ्वी पर वर्षा होनी शुरू हुई तो उससे इतने विशाल समुद्रों का निर्माण हो पाया। सिर्फ पृथ्वी ही नहीं बल्कि मंगल भी आज से 3 अरब साल पहले एक वाटर प्लैनेट हुआ करता था। हालांकि मैग्नेटिक फील्ड और वायुमंडल ना होने की वजह से इस पर मौजूद सारा पानी धीरे धीरे अंतरिक्ष में जाता रहा और मंगल एक बंजर ग्रह में तब्दील हो गया।
2012 में नासा द्वारा लॉन्च किए गए क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल की सतह पर वाटर आइस की खोज की थी। आज 12 साल बाद वैज्ञानिक यह जानते हैं कि मंगल के कुछ एरियाज में अभी भी पानी मौजूद है, बस दिक्कत की बात यह है कि वह बर्फ के रूप में है। चांद एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिस पर उन एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स के सबसे क्लियर सबूत देखे जा सकते हैं। चांद पर दिखने वाले धब्बे असल में कोई दाग नहीं बल्कि बहुत ही गहरे गड्ढे हैं, जिन्हें साइंटिफिक भाषा में क्रेटर कहा जाता है। यह क्रेटर अलग अलग साइजेस के हैं और इनमें से कुछ में वाटर आइस भी मौजूद है। नासा के वैज्ञानिक बताते हैं कि लूनर टेलीस्कोप की फॉर्मेशन के लिए वह साउथ पोल के एरिया को सेलेक्ट करना पसंद करेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह एरिया लंबे समय के लिए सूर्य की रोशनी से वंचित रहता है। लूनर साउथ पोल पर लाइट की मात्रा कम होने की वजह से वैज्ञानिक आसानी से अपनी रेडियो स्टडीज को कंडक्ट कर पाएंगे। अब शायद आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि इतने विशाल टेलीस्कोप को चांद पर बिल्ड करने के लिए आखिर किन इंसानों को भेजा जाएगा और वे चांद के खतरनाक वातावरण में अपने आप को जिंदा कैसे रख पाएंगे। कुछ ऐसा ही सवाल वैज्ञानिकों के दिमाग में भी आया था और उनके पास इस दिक्कत का एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन भी है। चांद पर बिल्ड होने वाले इस लूनर टेलीस्कोप को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट के जरिए बनाया जाएगा। यह सुनने में भले ही अविश्वसनीय लग सकता है लेकिन यह एक सच्चाई है। नासा इस मिशन के लिए स्पेशलाइज्ड रोबोट्स को अभी से डेवलप करने लगा है और उन रोबोट्स को ड्यू एक्सल कहकर बुलाया जाता है। नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी में इन अनोखे रोबोट्स को डिजाइन किया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि यह कोई सिंगुलर रोबोट नहीं बल्कि दो रोबोट्स का एक जोड़ा होगा। यह दोनों रोबोट्स आपस में एक स्ट्रॉन्ग मेटल वायर से बंधे होंगे। फिलहाल की प्लानिंग के हिसाब से इनमें से एक रोबोट क्रेटर की बाउंड्री पर मौजूद रहेगा जबकि दूसरा रोबोट उस गड्ढे में उतरकर टेलीस्कोप को बिल्ड करने का काम करेगा। अमेजिंग बात यह है कि यह दोनों रोबोट ऑटोमेटेड होंगे, यानी यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से काम करेंगे। इनमें ऐसे AI सॉफ्टवेयर्स को डाला जाएगा जो चांद की सतह के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर पाए और मुश्किल परिस्थितियों में अपने आप ही डिसीजन ले पाए। हालांकि इतने ऑटोमेशन के बावजूद इन्हें एक ह्यूमन ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी जो इन रोबोट्स को कॉम्प्लेक्स डिसीजंस लेने में हेल्प करेगा। इस टेलीस्कोप को बिल्ड करने के लिए एक ऐसे मटेरियल की जरूरत पड़ेगी जो मजबूत भी हो और लाइट वेट भी। वैज्ञानिक फास्ट की कंस्ट्रक्शन में हुई गलतियों को दोहराना नहीं चाहते जिस वजह से वह एक परफेक्ट मटेरियल की तलाश में है। एक रेडियो टेलीस्कोप का सबसे बड़ा हिस्सा उसकी डिस्क होती है और इसे बनाने के लिए एक ऐसे मटेरियल की जरूरत पड़ती है जो बहुत फ्लेक्सिबल हो। अब शायद आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि आखिर टेलीस्कोप को बनाने के लिए किसी फ्लेक्सिबल मटेरियल की जरूरत क्यों पड़ती है। ऐसा टेलीस्कोप के शेप की वजह से होता है। आमतौर पर रेडियो टेलीस्कोप्स पैराबोलिक शेप के होते हैं, बिल्कुल घरों पर लगी छतरियों की तरह। ऐसे आकार को किसी हार्ड मटेरियल से बनाना बहुत ही मुश्किल होता है जिस वजह से वैज्ञानिक एक फ्लेक्सिबल मटेरियल की तलाश में है। फ्लेक्सिबल के साथ साथ उस मटेरियल का लाइट वेट होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे ओवरऑल मिशन की कॉस्ट घटती है और चीजों को पृथ्वी से चांद तक भेजना काफी आसान हो जाता है। LCRT को चांद पर सेटअप करना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वैज्ञानिक इससे डार्क एज की स्टडी करना चाहते हैं। हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत आज से 13.8 अरब साल पहले हुई थी। बिग बैंग के कई करोड़ सालों बाद तक हमारा ब्रह्मांड अंधेरे में था क्योंकि इसमें एक भी तारे का जन्म नहीं हुआ था। वैज्ञानिक इस समय काल को डार्क एजेस कहकर बुलाते हैं और उनके मुताबिक इससे जुड़े कई सारे रहस्य उन रेडियो वेव्स में छुपे हो सकते हैं जो उस समय मौजूद गैस द्वारा रिलीज की गई थी। LCRT के जरिए वैज्ञानिक उन्हीं रेडियो वेव्स को कैप्चर करके स्टडी करना चाहते हैं ताकि वे ब्रह्मांड के शुरुआती समय को अच्छे से समझ पाए। जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के एक रेडियो एस्ट्रोनॉमर जोसेफ लाजियो बताते हैं कि भले ही डार्क एजेस के समय ब्रह्मांड में तारे ना मौजूद हों लेकिन उस समय भी हाइड्रोजन गैस जरूर मौजूद थी जो आगे चलकर पहले तारों का निर्माण करने वाली थी। आज भी तारों का निर्माण इसी हाइड्रोजन गैस की वजह से होता है जो बिग बैंग के कई करोड़ साल बाद फॉर्म हुई थी। लाजियो बताते हैं कि लूनर टेलीस्कोप का इस्तेमाल करने से ब्रह्मांड के जन्म के बाद हुई चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझा जा सकेगा। वैज्ञानिक डार्क एजेस, न्यूक्लियोसिंथेसिस और अर्ली ब्लैक होल फॉर्मेशन जैसी चीजों को समझ पाएंगे और उनकी मिस्ट्रीज से पर्दा उठा पाएंगे। कुछ वैज्ञानिक तो ये भी मानते हैं कि LCRT द्वारा कलेक्ट किए गए डेटा से डार्क मैटर की गुत्थी को भी सुलझाया जा सकेगा। डार्क मैटर एक ऐसी चीज है जो दशकों से वैज्ञानिकों को परेशान करती आई है। हमारे ब्रह्मांड का करीब 27% हिस्सा डार्क मैटर से बना हुआ है लेकिन इसके बारे में हमें 1% जानकारी भी नहीं है। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि यह किसी भी रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट नहीं करता
और इसे किसी भी तरह से देख पाना इम्पॉसिबल है। हालांकि इसके इफेक्ट्स को मैथमेटिक्स के जरिए आकाश गंगाओं पर देखा जा सकता है और यही इसके मौजूद होने का एकमात्र सॉलिड प्रूफ है। 2023 की रिपोर्ट्स के मुताबिक यह टेलीस्कोप अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और वैज्ञानिक इससे जुड़ी काफी सारी दिक्कतों का सॉल्यूशन निकालने में लगे हुए हैं। 2030 से पहले इसका लॉन्च होना काफी मुश्किल है और इसकी कंस्ट्रक्शन को पूरी तरह से रोबोट्स को सौंप देना सुनने में एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक चीज लगती है, लेकिन क्या नासा का यह आइडिया सक्सेसफुली काम कर पाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे आपको इस टेलीस्कोप का आइडिया कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।